देखो इतना सा होना चाहिए, पीछे अंगूठा लगाया और सामने उंगलियों में पेट ऐसे पकड़ में आना चाहिए। और परीक्षा करनी हो तो ऐसे पैर रखो और पीछे से ऐसे पैर पकड़ लो। आप पकड़ के देखो ना अपने। ये सामने से पकड़ रहे हैं, चालाकी कर रहे हैं। इधर से नहीं पकड़ना, पीछे से पकड़ना। क्यों, एग्जाम फेल? ये पेट इतना हल्का होना चाहिए, अंदर घुसाओ तो अंदर घुस जाए। आप अपने घुसाओ, पूरा ट्रैफिक जाम है। फिर इतना हल्का होना चाहिए, से घुमाते हैं। पहले बीच से निकालते हैं, फिर दाएं तरफ घुमाया, बाएं तरफ घुमाया, गोल घुमाया। अब तुम आगे से घुमाओगे तो पीछे से घुमाओ। वो आगे से तो घूमते ही नहीं है। सुनो, बॉडी पर पूरा कंट्रोल, माइंड पर, थॉट्स पर, इमोशंस पर, एक्शंस पर कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन टू कलेक्टिव रियलाइजेशन, दिस इज द जर्नी ऑफ योगा। आत्म अनुशासन, आत्म उपचार, आत्म साक्षात्कार, ये बहुत बड़ी विद्या है। यह कपाल भाती क्या है, जोर से बोलो। मिनिमम कितनी देर करना? आज आपको एक प्रसाद दे रहा हूं, यही ज्ञान प्रसाद, योग प्रसाद है। नहीं तो आजकल बाबा भी बोले बाबा जी ने विभूति दे दी, लड़का हो जाएगा। ये सब आडंबर ढोंग पाखंड हम नहीं करते। आप कपाल भाती करोगे जिसको संतान निरी हो जाएगी, सिस्टम ठीक हो जाएगा, तो हो जाएगी। राख खाने से क्या खाक होगा? यह है बाबा की विभूति, विभूति। ये कपाल भाती करो, सारा सिस्टम अच्छा हो जाएगा ना। एक कपाल भाती ये 5 मिनट करना, डायबिटीज के लिए, गैस, कब्ज, एसिडिटी, सब ठीक, कोई बीमारी नहीं होगी। 100 बीमारी का अकेला दवाई है। कपाल भाती करोगे और ये अनुलोम विलोम, वायु मुद्रा में हाथ लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, ये 2 प्राणायाम करने के कितने फायदे हैं सुनो। तब तक बटरफ्लाई कर लो एक बार, देखो ऐसे, और मेरी बात सुनो जरा गौर से, क्या है फायदा? जो कपाल भाती अनुलोम विलोम करेंगे उनके सिर के बाल नहीं उड़ेंगे। बहुतों की खेती उजड़ी हुई है यहीं बैठे हुए सामने। फिर एक 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 बाल लगाने का लोग कई कई 1000 रुपए देते हैं। विदेश में लगता है 10,000 रुपये, यहाँ लगता है 1,000 रुपये एक बाल का।
जो कपाल भाती करेंगे खेती नहीं उजड़ेगी, जो कपाल भाती करेंगे सिरदर्द नहीं होगा, कपाल भाती अनुलोम विलोम करना सिरदर्द नहीं होगा, बादाम रोगन थोड़ा पी लेना, बादाम रोगन नाक में भी डाल लेना, मैदा उठिए ले लेना ज़्यादा है तो सिरदर्द नहीं होगा, हाई बीपी नहीं रहेगा कपाल भाती अनुलोम विलोम करने से, ज़्यादा है तो थोड़ा लौकी का दूधी भोपला का जूस मुक्ता उठिए ले लेना, शुगर की बीमारी नहीं होगी, ये गिलोय का काढ़ा खीरा खीरा टमाटर का जूस कपाल भाती और मंडू का आसन बताएंगे उसको कर लेना। हाँ, थायराइड की बीमारी नहीं, कपाल भाती और उज्जाई, ये थोड़ा रोक के फिर ये छोड़ते। थायराइड क्योर हो जाता है कपाल भाती से, गैस कब्ज एसिडिटी वात पित्त कफ रोग, कपाल भाती से एसएलएमएस ऑटोमेन डिजीज, सैकड़ों बीमारी हमने ठीक किए लोगों की, कितनी बीमारी है, गैस कब्ज एसिडिटी कुछ नहीं, ये कपाल भाती। कपाल भाती करो, थोड़ा पैर ऐसे हिला लो, थोड़ा हाथ ऐसे हिला लो, बस इतनी सी चीजें सीख लो। ये दो चीज तो सब सीख के जाना, एक तो कपाल भाती और दूसरा ही अनुलोम विलोम, ये भी करके देखो एक बार, देखो एक बार करके देखना, अभी आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। आप हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, मुझे खुशी है, मैं सुबह अकलकोट में भी देख रहा हूँ, यहाँ पर भी देख रहा हूँ, हमारी बहुत सी मुस्लिम बहनें, हमारे बहुत से मुस्लिम भाई भी आए हैं, एक बार उनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है, हिंदू मुसलमान सबके लिए है तो योग, बहुत से हमारे मुस्लिम भाई, ये तो अपने पुरखे करते थे, हमारे पूर्वज तो एक ही थे, हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, ये अनुलोम विलोम करना देखो। ये लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास लेना, लंबा छोड़ना, ऐसे 2-3-5 मिनट कर लिया ना आपने, मन एकदम शांत, क्या नाम है इसका बोलो, 5 मिनट करना, जो बच्चे करेंगे उनकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी, मैं पढ़ाई में नंबर 1 रहा हूं हमेशा, योग करता था, शीर्षासन भी करता हूं, सिखाऊंगा आपको, कभी भी 2nd नंबर पर नहीं, योग में नंबर 1, आयुर्वेद में नंबर 1, स्वदेशी में नंबर 1, पढ़ाई करता था तो पढ़ाई में नंबर 1, मैं रेसलिंग भी करता हूं उसमें भी नंबर 1, देखिए तुम लोग बच्चे यूट्यूब आते पे देखते रहते हैं, आस्था देखा करो, फेसबुक यूट्यूब सब जगह में रहता हूँ, फॉलो करो, सीखो, आप योग करेंगे ना तो लाइफ में नंबर 1 रहेंगे। एक एक मनुष्य को परमात्मा ने समान रूप से ज्ञान दिया है, संवेदना दी है, शक्ति दी है, हर मानव में महामानव, नर में नारायण होने का, पुरुष में महापुरुष होने का सामर्थ्य, योग से वो जाग जाता है। आइए अगला, ये जरूरी ध्यान के, पहले उन्हें माथे पर शेष चिन्ह बोले, ऐसे आंखों पर कानों में उठे, मुंह बंद कर लेंगे, ऐसे ओंकार का नाद करेंगे, ओंकार का नाद करेंगे, ये प्रणव ओंकार ध्यान, अपने आप ध्यान लग जाएगा, सब करो, लंबा गहरा श्वास भरते ऐसे करेंगे, ऐसे ये भ्रामरी ओंकार का मन ही मन ध्यान किया, नाद, फिर ओम बोलेंगे, ओ
मौन हो जाए. 3, 5, 7 टाइम्स यू कैन डू दिस उद्गीत प्राणायाम. ओम का ऐसे ध्यान कर. फिर थोड़ी देर शांत हो जाए श्वासों पर, अपने आत्म चेतना, अपने सच्चिदानंद स्वरूप, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, अपने आत्मा की दिव्यता पूर्णता में. आत्मा में ही परमात्मा है और उस परमात्मा की शक्ति है सब, उसी की ज्योति है. हमें भी ज्ञान संवेदना सामर्थ्य सब भगवान ही दिया. ऐसे स्वास्थ्य पर थोड़ी देर ओम का ध्यान करना, फिर दोनों हाथों को आपस में रगड़ना और दोनों हाथों को रख लेना. आपको मैंने थोड़ा सा प्राणायाम बताया, ये 5 चीजें, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेटिव, भ्रामरी, ओम उद्गीत, ये 5 चीजें सबको करनी है. अब मैं 5 चीजें बता रहा हूं यंगस्टर्स के लिए, जवानों के लिए, जो युवान हैं उनके लिए, और जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए. जो बच्चे बचपन से योग करेंगे कभी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे. एक बात, कभी बीमार नहीं होंगे, कभी कोई नशे में व्यसन में नहीं फंसेंगे. आपका कुलवंश तो ऐसे ही सुधर जाएगा. इसलिए आज सब माता पिता संकल्प लेके जाओ कि अपने बच्चों को 5 आसन जरूर कराना. शुरुआत कर रहे हैं शीर्षासन, दीवार के साथ करना पहले. कैसे होगा ये ऐसे होगा, पहले दीवार के साथ ऐसे एक एक पैर उठाएंगे. अभी भी सहायता करके कर सकते हैं. ये जो बच्चे कर लेंगे वो उनकी मेमोरी शार्प होगी, उनका कंसंट्रेशन बहुत हाई होगा, आईक्यू लेवल बहुत हाई होगा, और बच्चों को कभी आंखों पर चश्मा नहीं लगेगा. बच्चे तो इसी में पद्मासन भी कर सकते हैं. ये है शीर्षासन. क्या नाम है इसका बोलो. बच्चे सीख लेंगे और करेंगे भी. दूसरा आसन है सर्वांग आसन. ऐसे लेट के और ऐसे पैरों को उठा दिया, पूरा 90 डिग्री. ये तो सब बच्चे अभी कर सकते हैं बिना ही प्रैक्टिस के. बस ऐसे कमर उठाओ और जब कमर उठ जाए तो उसके पीछे हाथ लगा दो और ऐसे उठा दो. फिर ये पैर पीछे टिका दिए तो ये हलासन हो गया, पैर सीधे रखा. बच्चों के लिए चौथा चक्रासन. ये बच्चों के 4 आसन बताए. बच्चे तो खड़े होकर के भी कर लेते हैं, कुछ बच्चे कोशिश कर रहे हैं. बच्चे तो ऐसे खड़े होके और ऐसे करें तो पीछे ऐसे. बच्चों ने किया कुछ तो पड़ गए. ऐसे धीरे धीरे हो जाएगा. फिर दोनों हाथ ऐसे उठाओ, सभी कर लो इसको. तो आगे झुक जाओ और आगे झुक के माथा घुटनों से लगाओ. लगा बीच में पेट अड़ गया.
ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई। ये बच्चों के लिए, अब किसी किसी को कमर दर्द बहुत होता है, चलो कमर दर्द के लिए बताते हैं। ऐसे सब करके देख लो इसमें क्या है। ऐसे हाथ ऐसे रखो, ऐसे 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 पीछे झुक जाओ, ये तो सबने कर लिया। रिलैक्स, ये है उष्ट्रासन। क्या नाम है इसका? कमर के लिए बहुत अच्छा है, कमर दर्द के लिए। ऐसे लेट के ऐसे पैर मोड़ो, इससे कमर दर्द और घुटने का दर्द दोनों अच्छे हो जाते हैं। ये तो बहुत इजी है, है? कमर दर्द के लिए चंद्र प्रभा वटी ले लो और ये आसन कर लो। कमर दर्द बहुत बड़ी समस्या है, वो छूट जाएगी। फिर दुख देखो, ये ऐसे सामने से उठाया, ऐसे रोक के रखा, ये भुजंगासन है। क्या नाम है इसका बोलो? एक तो ऐसे हाथ साइड में रखे करना, ये भुजंगासन। दूसरा, दोनों हाथ ऐसे ठोड़ी के नीचे रख दो और सामने से पूरा उठा दो। नसें खिंच जाती है पूरे शरीर की, स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है, कमर अच्छी हो जाती है। यह भुजंगासन पूरा उठा दिया। फिर नीचे आ गए। जिनका पेट मोटा हो रखा हो ना, वो ऐसे 25-50 बार कर लेना ऐसे। तो ये मोटे पेट भी अच्छे हो जाएंगे। ये फिर एक सर्वासन, कमर दर्द के लिए। फिर ये धनुरासन, आगे पीछे का पूरा बैलेंस हो जाता है। फिर एक है ये मरकट आसन, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। घुटने पंजे पास में, पैर पास में, ऐसे एक तरफ पैर दूसरी तरफ कर दे। ये जो नहीं करेगा ना, उसकी कमर दुखेगी, उसको बैक पेन होगा, कोई नहीं टाल सकता। ये फिर इसका दूसरा पोज है पैरों में फासला, ऐसे ऐसे डिस्टेंस के साथ। और तीसरा, ऐसे पैर उठाया अपोजिट साइड में, ऐसे लेके। फिर ये पैर उठाया, ऐसे लेके गए। इससे एकदम कमर बैलेंस हो जाती है, पूरे स्नायु तंत्र मसल्स बोन्स अच्छे हो जाते हैं। कमर दर्द हो तो ऐसे पैर दबा भी सकते हैं, इसको अर्धपवन मुक्तासन कहते हैं। एक एक पैर को ऐसे उठाते हैं, नीचे लेके आते हैं, इससे भी कमर दर्द अच्छी हो जाती है, ऐसे भी। एक अब सुनो, आपको अभी मैंने बताया कमर दर्द के लिए 5 अभ्यास, अब पेट के लिए 5 आसन बताता हूं। पेट की बीमारी, पेट अपसेट रहता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन। पेट को सेट करने के लिए तो ये पवन मुक्तासन है। दूसरा, उत्तान पादासन, ऐसे पैरों को उठा के ऐसे रोक के रखना 30 डिग्री पर, ऐसे रोक के रखा, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, श्वास अंदर। फिर एक नौकासन, दोनों तरफ से उठा, ये पेट के लिए बहुत अच्छा है। फिर चौथा है से कंधरासन, श्वास भर के ऊपर उठे, फिर श्वास बाहर छोड़ दिया, पेट को अंदर दबा दिया, इसको सेतु बंधासन भी कहते हैं, पेट को पूरा अंदर खींच देते हैं।
फिर लास्ट पांचवा आसन थोड़ा कठिन है, इसको बोलते हैं पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन। पैर को ऐसे खींचना, पैर के पंजे को पकड़ा इंटरलॉक करके, इससे पेट एकदम 100% परफेक्ट सेट हो जाता है। ऐसे दूसरी तरफ से ऐसे पैर खींचना पड़ता है। छोटे बच्चे तो इजीली कर लेंगे, इन बड़ों बड़ों में बहुत अकड़ हो गई है। दोनों पैरों से एक साथ ऐसे। ये पांच आसन बताए मैंने आपको, पेट अपसेट है। अब ऐसे बैठो साहब, ये पेट और डायबिटीज के लिए रामबाण है, सब कर सकते हैं, बहुत इजी है। अंगूठा अंदर, अंगूठियों पर सब करो, अभी देखो ना बहुत अच्छा लगेगा, भूख अच्छी लगेगी, खाया पिया हजम हो जाएगा। रुकना आगे, ये वज्रासन में पैर ऐसे मोड़ के एड़ी बाहर पंजा अंदर ऐसे बैठे, ये वज्रासन है। इसमें आगे झुक गए, मुट्ठी ऐसे दोनों तरफ लगा के नाभि के, द लिवर स्प्लीन इंटेस्टाइन पैनक्रियास यूट्रस ओवरी प्रोस्टेट पूरा स्टमक 100% अच्छा हो जाता है। यह मंडूक आसन, क्या नाम है बोलो, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, बड़े वाले रेस्पॉन्स थोड़ा कम दे रहे हैं, ज़्यादा समझदार हैं लगता है। लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकते हैं, पेट को पूरा अंदर दबाते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं। मंडूक आसन हुआ। ऐसे दूसरा होता है पद्मासन में बैठ के और आगे झुक जाना, ऐसे यह भी डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे तो डायबिटीज के लिए बहुत ही ले, दो भी कर लिए तो काम हो जाएगा। और बच्चे तो ऐसे मयूरासन कर सकते हैं, आपने भी किया ना, बोले बाबा जी मुंह फूट जाएगा। बैलेंस बच्चों के लिए था ये तो। चलो सभी खड़े हो जाओ, बोले भारत माता की, भारत माता की। तो सुनो आपको एक खास अभ्यास बताते हैं, फुल बॉडी एक्सरसाइज, इसका नाम है सूर्य नमस्कार। क्या नाम है बोलो। पूरे देश में स्वामी विवेकानंद जी का जयंती पर भी जिनका बहुत सुंदर फोटो लगाया, और विवेकानंद प्रतिष्ठान के माध्यम से हमारा बेटा सचिन सेट्टी बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, इसके लिए भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। तो सुनो, सबको स्वामी विवेकानंद के लिए बलवान बनना है, मेधावी बनना है, दोनों पैर पास में, इसका नाम है सूर्य नमस्कार। क्या है बोलो। इसमें कोई तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र कोई जरूरत नहीं है, किसी को कोई मंत्र बोलने की जरूरत नहीं, एक्सरसाइज है। दोनों सामने श्वास अंदर भर के हाथ पीछे, फिर
श्वास बाहर छोड़ के आगे झुको, आगे झुक के माथा घुटनों से लगाओ, ऐसे झुक के माथा घुटनों से लगा, फिर दाहिने पैर पर बैठ जाओ, दाहिने पैर पर ऐसे बैठो, दाहिने पैर पर बैठ गए, बाएं पैर पीछे, फिर दाएं भी पीछे चला गए, फिर झुक के आगे, फिर उठे, फिर बीच से उठे, फिर बायां आगे, लेफ्ट, फिर राइट आगे, एक सांस में अभ्यास, बार अभ्यास है ऐसे। ऐसे पांच कर सकते हैं।